देखिए कल्याण सिंह जी उत्तर प्रदेश की राजनीति के एक ऐसे महान नेता थे जिन्होंने राजनीति की एक लंबी पारी खेली। 1967 से उन्होंने विधानसभा चुनाव जीतना प्रारंभ किया और 2002 तक वो क्रम लगातार चलता रहा। दो दो बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे, इसके बाद दो बार वो सांसद भी रहे, एक बार बुलंदशहर से, एक बार एटा से। फिर अपने राजनीति के अंतिम दौर में राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल भी रहे। यानी राजनीति में जिन शिखर और ऊंचाइयों पर उनको जाना था वो अपने दमखम के बलबूते पहुंचे, और साथ ही साथ उनकी एक लंबी राजनीतिक पारी जो राजनीति में बेदाग और साथ ही साथ बेबाक नेता के रूप में उनकी पहचान छोड़ी। और यहां तक कि कल्याण सिंह जी एक अच्छे प्रशासक और साथ ही साथ अनुशासित प्रदेश चलाने वाले नेताओं में से रहे। यहां तक कि जनहित में तमाम ऐसे कठोर फैसले लिए जो हंसते हंसते और चुटकी बजाते लिए, जैसे उन फैसलों में नकल विरोधी अध्यादेश भी शामिल है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जनता के हितों के लिए किसी हद तक वो जाने में रंजमात भी संकोच नहीं करते। अब वो बीच बीच में कभी कभी हंसी का भी दौर चलता था, कभी कभी एक मौका ऐसा भी आया जब मैंने प्रश्नों की बौछार करते हुए उनको घेरा और उसका जवाब मांगा, तो उन्होंने हंसते हंसते कहा, मौर्या जी बुद्धि किसी बाजार में नहीं बिकती है। तो माहौल जो तीखा था उस पर ठहाके लगे और मामले को काफी सामान्य बना दिया। तो एक ऐसे मजे हुए खिलाड़ी और राजनेता थे जो किसी भी समय में हंसते हंसाते अपने जवाब देते थे, अपने जवाबों से निरुत्तर करते थे। और यही नहीं, वो अपने इरादे की भी बहुत मजबूत थे। जैसा कि उसमें भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा था राम मंदिर का, उन्होंने उसके लिए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा भी दिया। जब उनकी जवाबदेही सुनिश्चित करने की बात है, उसको स्वीकारा कि मैं इसमें शामिल था, गिराने वालों में शामिल था, नैतिक जिम्मेदारी लेकर के मैं इस्तीफा देता हूं। वो चाहते तो 5 साल मुख्यमंत्री रह सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने कदकाठी के सामने कुर्सी के महत्व को नहीं दिया, अपने उस व्यक्तित्व को, जिस व्यक्तित्व में जनता के प्रति एक विश्वास था, उस विश्वास की कसौटी पर खड़ा उतरने के लिए, अपनी जवाबदेही को सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया, लेकिन ना नहीं किया। ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम होती है, बिरले होते हैं, बिल्कुल नहीं होते तो नहीं कहा जा सकता, होते हैं लेकिन बिरले होते हैं। उन्हीं बिरले लोगों में से कल्याण सिंह भी एक थे। जाना जाएगा सर इतिहास इनका? स्वाभाविक रूप से, जो कल्याण सिंह जी का कार्यकाल था, जो उनके ऐतिहासिक फैसले रहे, साथ ही साथ सत्ता पक्ष में विपक्ष में एक लंबी राजनेता के रूप में उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा का काम किया, और उसके बाद मुख्यमंत्री के रूप में भी, राज्यपाल के रूप में भी एक अच्छे प्रशासक की पहचान जनता में छोड़ी, स्वाभाविक रूप से काबिल तारीफ है।